हेलो दोस्तों, मेरा नाम निर्भय कुमार है और मैं लुधियाना में नेटिंग डिज़ाइन और ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग सब मस्ती में होंगे। आज हम लोग एक ग्रेडिएशन का डिज़ाइन सीखने जा रहे हैं, सीमलेस पैटर्न ग्रेडिएशन के साथ। उसके लिए आप क्या करोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे। हम यहाँ पर अभी ले रहे हैं ट्राइंगल। एक ट्राइंगल लिया हमने, उसे नीचे की तरफ हमने पलट दिया, उसके बाद इसे हमने वेल्ड कर दिया। फिर क्या करेंगे, हम इसके सेंटर को कॉर्नर में रखेंगे और इसे एक बार कंट्रोल दबा के रोटेट कर लेंगे और साथ में कॉपी भी कर लेंगे। अब इसे हम ग्रुप करने के बाद इसकी जो रोटेशन पॉइंट है या एक्सिस है उसको यहाँ पर ले आएंगे, उसके बाद इसे हम रोटेट करेंगे कुछ इस तरीके से कंट्रोल दबा के और इसे कंट्रोल आर करते चले जाएंगे। तो ये एक ऑब्जेक्ट हमारा तैयार हो गया, इसे ग्रुप कर लो। और इसकी जो लंबाई है इसे हम 4 इंच का कर देते हैं प्रोपोर्शनली ऑन करके। आप 4 इंच का कर सकते हो, 1 इंच का कर सकते हो, 2 इंच का कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करेगा। चलो मैं भी थोड़ा कम कर लेता हूँ, इसे हम 2 इंच का कर लेते हैं। और इसके जो लाइन की विड्थ है इसे 1 पे रखते हैं, 1 पे या 2 पे रख लेते हैं, 2 सफिशियंट होगा। और जो लाइन की प्रॉपर्टी है उसको हम सेंटर से हटा के ये नीचे इनसाइड आउट लाइन कर देते हैं। हमने इनसाइड लाइन कर दिया तो अब ये जो लाइन है वो इनसाइड की तरफ है। देखो नोट एकदम कॉर्नर में आ जाएगा आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको इसको सेलेक्ट करने के बाद हम इसके बीच में 20 कॉपी बनाना चाहते हैं ब्लैंक टूल से। तो 2 हमारा ये है, 20 कॉपी बनेगा तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा बन गया 2 × 20 40। तो अगर इसको हम 40 इंच के डिस्टेंस में रखेंगे तो उस बीच में 20 कॉपी इसके बन सकते हैं। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन खोल लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी आ जाएगी, ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा आपको पोजीशन, इसे आप ओपन कर लो। और यहाँ पर आप 20 इंच में 1 कॉपी आप बना लो। तो F4 दबाओगे तो आपको दिखेगा, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आप 20 इंच में हमने 1 कॉपी बना लिया। आपको नापना है तो आप इसके मिड पॉइंट पे जाओ और यहाँ से इसके मिड पॉइंट पे आओ, आप ऊपर देख रहे होगे 20 इंच आ गया हमारा, ये देखो 20 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक ये 20 इंच है, यानी ये हमारा 1 इंच हो गया, यहाँ यहाँ पर 1 इंच हो गया। तो एक एक इंच हमारा खत्म है, मतलब 2 इंच खत्म है। तो इसके बीच में हमारा टोटल केवल 19 डिजाइन्स को आने का जगह मिलेगा। अब हम ब्लेंड टूल लेते हैं, ब्लेंड टूल को इसके साथ इसको ब्लेंड कर देते हैं। अब यहां पे 20 है, 20 को हम घटा के 19 कर लेते हैं। अब हम इस डिजाइन को देखते हैं। तो यहाँ पे हमने शायद गलती कर दी, 19 2 इंच हमारा था, 2 × 40, हमें यहाँ 20 इंच नहीं डालना था, हमें यहाँ 40 इंच डालना था। तो चलो कोई नहीं, अब मैं इसे 19 की जगह यहाँ 9 कर देता हूँ। तो हमारे टोटल 9 डिजाइन बन गए। अब हम क्या करते हैं, सबसे नीचे वाले डिजाइन्स को लेते हैं और इसकी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में आके हम इसका
आउटलाइनिंग की विड्थ बढ़ा देते हैं, इसे बढ़ा के हम 12 कर देते हैं, तो डिजाइन कुछ आपको ऐसा दिखने लगेगा। अब क्या करेंगे, हम इसको हल्का सा एरो से हम नीचे शिफ्ट करेंगे, फिर उसे वापस रख देंगे, क्योंकि कभी कभी ये ब्लेंड टूल आपका लेता नहीं है। अगर आपने उसको एरो से नीचे करोगे तो वापस ले लेगा। अब इसको हमने सभी को सिलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट में गए, ब्रेक अपार्ट कर दिया, उसके बाद अनग्रुप ऑल कर दिया, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट में जाके कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, तो ये सारे आउटलाइन हमारे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद हम इसे वेल्ड करते हैं, तो ये वेल्ड हो गया। अब ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट हमारा बन चुका है। अभी इस पे बीच में एक लाइनिंग हमारी खराब हुई है, पर उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब इस नोड को उठा के हम यहां पे ले आते हैं, इसे ग्रुप किया या वेल्ड कर दो। अब इस पे हम सेंटर देख सकते हैं कि हमारा सेंटर कहां से कहां बन रहा है। आप ये देखो, इस नोड से लेके इस नोड तक आपका सेंटर बन रहा है, तो हम रिपीट यहां से लेके यहां तक हम रिपीट रख सकते हैं इस डिजाइन की। तो हम इस सेंटर पे जाते हैं, इस नोड पे जाते हैं और वापस इस नोड पे आते और इसे छोड़ देते हैं। अब जो हमारा रेक्टेंगल बना है, इसे नीचे की तरफ बिना हिलाए हुए ले आते हैं, इसको यहां तक। और यहां पर शिफ्ट दबा के बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं और इंटरसेक्ट कर देते हैं, इसे साइड पे निकालते हैं। ये जो नीचे वाला लाइन है, इसे हम डिलीट कर देते हैं ताकि ये स्ट्रेट हो जाए। अब ये हमारा रिपीट तैयार है, इसे हम हॉरिजेंटली रिपीट कर सकते हैं मिरर करने के बाद। एक बार आप मिरर कर दो, उसके बाद ये आपकी रिपीट तैयार है। अब इसे आप कंटिन्यूअसली जितना मर्जी बड़ा डिजाइन आप बना सकते हो इस डिजाइन का। इस पोर्शन को आप चाहो तो डिलीट कर दो, इनको आप ग्रुप कर लो, पेज के बीच में ले आया हमने, ये हमारा डिजाइन तैयार है। आशा करता हूँ ये आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।